हेलो दोस्तों, आज मैं इस पार्ट में आपको सिखाऊंगा एक दूसरा मोहरी का डिज़ाइन। एक बार मैंने पहले भी आपको सिखाया था, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो एक डिज़ाइन में और सिखाना चाहता हूं आपको। डिज़ाइन इस प्रकार है, देख लीजिए। हमने सिलाइयां दे लेनी है, लगा लेनी है। सबसे पहले हमने लहरवा देना है इसमें। जितना भी सुंदर हो सके उतना ही आपको लहरवा दे लेना है इसमें। उसके बाद एक लंबा लहरवा इस तरह से। फिर आपने इसमें कुछ पत्तियां टाइप में इसमें सिलाइयां लगानी है इस तरह से। फिर दूसरी तरफ से हमने लगा लेना है इस तरह से ही। अगर ड्राइंग में आपको उतना सफाई से नहीं बनता है, उससे ज़्यादा सफाई में आपको बनाने में आ जाएगी जब आप इस पे कपड़े पे आप इस डिज़ाइन को बनाओगे। तो चलिए कपड़े पे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होती है फोम, जो सिलाई मटेरियल की दुकान पे 25 या 30 रुपए मीटर मिलती है। इससे बहुत अच्छी मोहरी बनती है। जैसे हम बुकरम से बनाते हैं तो बुकरम से उतनी सुंदरता नहीं आती है जितनी सुंदर इससे बनती है, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि इससे ही आप सलवार की मोहरियाँ बनाएं, क्योंकि बुकरम क्या है, लगाने के बाद जब उसको धोते हैं तो धोने के बाद वो सुकड़ जाती हैं, प्रेस करने पर भी उसके सिलवट नहीं निकलते हैं, और इस पर 1% भी फर्क नहीं पड़ता है धोने के या ना धोने के बाद, बिल्कुल हमेशा ये ऐसी ही रहती है। तो हमेशा आप इसको यूज कीजिए, ये बहुत अच्छी होती है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मोहरी बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कपड़ा ले लिया है। हम इसमें एक तरफ लगभग आधा इंच छोड़कर मार्जिन का सिलाई लगा देते हैं। हमारी सिलाई लग चुकी, अब हमने इस तरफ से कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेना है। और सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लग चुकी, अब हम इस फालतू कपड़े को काट लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको सलवार पे लगा लेते हैं। वैसे तो ये कपड़ा है, सलवार नहीं है, मगर सलवार पे इस प्रकार ही आपको लगानी है। चलिए लगा लेते हैं। ध्यान रहे ये जो फोम है इस पे बिल्कुल भी सिलाई ना चढ़े। अब हमने इसको पलट करके
हाफ पैर की एक सिलाई लगानी है। अब दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। अब हाफ पैर की एक और सिलाई लगानी है। इस तरफ भी किनारे की सिलाई लगानी है। दोस्तों ये मैं व्हाइट कलर से इस पे सिलाइयां लगा रहा हूं ताकि बिल्कुल साफ नजर आए आपको, नहीं तो मोरी तो सेम धागे से ही बनती है। तो अब हम इसमें लहरवा डाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हल्का सा बूट को इस तरह से हमने ये उठा लेना है ताकि हमें घूमने में ऐसे प्रॉब्लम ना आए। अगर आप बिना इसके ही कर सकते हैं तो आप बिना इस उठाए भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें लंबा लहरवा डालना है। अब बनानी है हमें इसमें पत्तियां। अब दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही पत्तियां बना लेनी है। ये हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सुंदर डिजाइन बन चुका, और ये और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है अगर आप कोशिश करेंगे इसको बनाने की, और नई नई इसमें हम नए नए डिजाइन भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे डबल सिलाई ले सकते हैं, जैसे चौड़ी मोरी में हम क्या कर सकते हैं, बीच में एक सिलाई देके दो तरफ ये डिजाइन बना सकते हैं, तो कई तरीके हो सकते हैं एक ही डिजाइन बनाने के। तो पर आप सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस ही करनी है, धीरे धीरे आप जब इस लाइन में आ जाओगे तो आप खुद ही अपने आप ही आपको दिमाग आ जाएगा कि आप नए नए डिजाइन बना सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे कि और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, आपको कुछ सीखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मुझे पता लगना चाहिए कि कितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं, बुटीक कोर्स करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।